हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो गाइस, आज हम जा रहे हैं मेनपाट की ओर। यहाँ से करीबन 142 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो आज हम न्यू ईयर की खुशी में जा रहे हैं, न्यू ईयर ट्रिप पे जा रहे हैं, और ये पहला न्यू ईयर प्लान है जो कि सक्सेसफुल रहा। सो गाइस, हम यहाँ पर दो गाड़ी में निकले हैं। हम 10 लोग हैं और 5-5 करके दो गाड़ी में निकले हुए हैं, ठीक है। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। So, आप सबको अच्छा लग रहा है जाने में? बहुत अच्छा लग रहा है। So, guys, अभी हम यहाँ पर रुके हैं, हमारे फ्रेंड्स का वेट कर रहे हैं जो कि दूसरे गाड़ी में है। अभी हम डायरेक्ट यहाँ से निकलेंगे, पत्थलगांव की ओर निकलेंगे। यहाँ पर ज्यादा दूर नहीं है, वही करीबन 40 किलोमीटर दूर होगा। So, guys, अभी हम पहुंचे हैं पत्थलगांव, और यहाँ पर पत्थलगांव में हम रुके हैं कुछ नाश्ता करने के लिए। तो कुछ देर यहीं रुकेंगे अभी नाश्ता वास्ता करने के लिए, उसके बाद फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। मजा आ रहा है। बस ये पहला ट्रिप है, लॉन्ग ट्रिप जो अपन दोस्त लोग साथ में जाके, और पहला न्यू ईयर प्लान भी है जो सक्सेसफुल हुआ बहुत ज्यादा रोक टोक के बाद। हाँ, बहुत ज्यादा रोक टोक के बाद। हाँ, बहुत मुश्किल से प्लान बनाया है गाड़ी में। और अरुण भी, आपको कुछ बोलना है? क्या बोले, बहुत दिन से प्लानिंग चल रहा था, सक्सेस हो गया हम लोग। अरे वाला बस अपने भाई लोगों के साथ अब जाके तेरा गिटार सुनने वाले। अरे अरे बिल्कुल बिल्कुल। तो काफी देर से यहाँ पर रुके हुए हैं, पतली गांव में रुके हुए हैं, और नाश्ता सब चल रहा है, और थोड़ी देर में यहीं से निकलेंगे। सो गाइस, यहाँ पर हम आए थे, अभी रुके थे, अपने फ्रेंड्स का वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक मंदिर मिला हमको। सो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ यहाँ का व्यू काफी अच्छा है। मतलब अपन जहाँ रुके हैं, अभी जहाँ रुके हैं, वहाँ का व्यू उतना अच्छा नहीं है। बाकी और ऊपर जाएंगे हम, तो अभी आपको और दिखाऊंगा। और छत्तीसगढ़ का वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है विजिट करने के लिए। अगर आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ आना चाहते हैं तो बहुत प्यारा जगह है ये। इसको छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। सो गाइस, आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ आइए यहाँ बस, और जगह काफी प्यारा है। आप जैसे देख सकते हो, मैं चल रहा हूँ, मेरे को इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा फील हो रहा है चलते, क्या ही बताऊँ आपको। तो अपने फ्रेंड्स का वेट कर रहे हैं, लोग आएंगे फिर अपन भी इधर से निकलेंगे। और बाकी व्यू बहुत ही अच्छा है यहाँ पर। अभी तो असली व्यू देखना बाकी है, अभी हम लोग मेन पार्ट पहुँचे भी नहीं है और अभी से इतना अच्छा व्यू है। तो गाइस, प्लान ऐसा है, आज हम रुकने वाले हैं, एक रात वहीं पर कैंप में बिताएंगे, कैंप पे, और बोन फायर वगैरह सब होगा, म्यूजिक होगा, सारा चीज होगा वहाँ पर, सारे अरेंजमेंट है। तो बहुत ही मजा आने वाला है। तो अपने फ्रेंड्स भी आ चुके हैं वापस, अपने पीछे पीछे आ चुके हैं, उनसे ही आपको बात कराता हूँ और उनसे ही पूछते हैं जगह कैसा है। सो भैया, आप लोग उधर से आ रहे हो, आपको व्यू कैसा लगा? व्यू इतना है कि सुपर व्यू, लाइक हिल बहुत अच्छा था। कैसा व्यू कैसा लगा? अरे तबाही, बढ़िया था ना, एक नंबर। अभी सोचो, हम अभी से इतना अच्छा व्यू है तो मेन पॉइंट पहुंच के कितना अच्छा व्यू होगा, मजा आ जाएगा। हेलो सब, इधर देखो। हेलो, ऑल ब्लैक। अरे हम दोनों का आउटफिट सेम है। सो गाइस, अभी हम मेन पार्ट पहुंचने ही वाले हैं, बहुत पास आ चुके हैं मेन पार्ट के, एकदम धारी छुए, धारी छुए, एकदम कांटेक्ट में करते कांटेक्ट। Thank you.
तो अभी यहाँ पर सबका फोटो शूट चल रहा है और मेरा फोटो शूट हो चुका है। अब इन लोग का चल रहा है फोटो शूट यहाँ पर। और सो गाइस अभी जो मैं दिखाने वाला हूँ आप देख के खुश हो जाओगे। ऐसा जगह मतलब ऐसा नजारा है, रुको आपको मैं दिखा। सो गाइस अभी हम मेन पार्ट पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हम जा रहे हैं फिश पॉइंट के पास। तो चलिए चलते हैं फिश पॉइंट की ओर। बस थोड़ा सा पैदल चलना पड़ेगा हमको और हमारे फ्रेंड्स पीछे आ रहे हैं। अभी ये पहला जगह है जहाँ हम मेन पार्ट पे जा रहे हैं, इसके बाद दूसरे पॉइंट पे जाएंगे और भी देखेंगे, सनसेट भी देखेंगे। और फिलहाल अभी फिश पॉइंट पे चलते हैं। अब मेन पार्ट आओगे तो सिर्फ तिब्बती फ्लैग ही दिखोगे सब तरफ। यहाँ पर बहुत सारे तिब्बती रहते हैं और सब तरफ तिब्बती फ्लैग ही देखने को मिलेगा आपको। ये यहाँ से एंट्री है फिश पॉइंट का। सो गाइस ये है फिश पॉइंट, ये एंट्री है वहाँ का, मछली पॉइंट झरना। सो गाइस देख सकते हो कुछ ऐसा है यहाँ पर, यहाँ सारे तरफ बाउंड्री लगा दिए गए हैं ताकि कोई खतरा ना हो, कोई आगे ना जाए। और जैसे कि मैंने बोला था सब तरफ आप तिब्बती फ्लैग ही देखोगे, सभी तरफ आपको तिब्बती फ्लैग दिखेगा। और फिलहाल के लिए तो कुछ खाने को खोज रहे हैं, देखते हैं कि कुछ खाने को मिलता है कि नहीं। सो गाइस यहाँ पर हम ऊपर चढ़ रहे हैं, ऊपर से नज़ारा देखेंगे कैसा होता है। तो यहाँ से नज़ारा कुछ ऐसा है, देख सकते हो ये पूरा जो एरिया है इसको कहा जाता है फिश पॉइंट। यही है फिश पॉइंट, इसके बाद देखते हैं टाइगर पॉइंट पे जाना है कि कहाँ जाना है, डिसाइड करते हैं। हेलो तो गाइस जो आपने अभी देखा वो है फिश पॉइंट, यही है जो है। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं वाटरफॉल की ओर, ये सीधा जाता है आपके वाटरफॉल की ओर। सो फ्रेंड्स जो वाटरफॉल के बारे में बात हो रहा था यही वाटरफॉल है, आप देख सकते हो। देख सकते हो गाइस बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ का। अभी हम जाने वाले टाइगर पॉइंट और टाइगर पॉइंट के वाला रास्ता जाता है तो हम इधर से जाएंगे और ये बौद्ध मंदिर की ओर जाता है ये वाला रास्ता। और ये सामने जाएगा आपका जलजली जहाँ पर पूरा ज़मीन हिलता है, ठीक है। हम यहाँ पर आए हैं, अभी एक होटल पे आए हैं, रेस्टोरेंट पे आए हैं, अभी खाना वाना खाते हैं। सो गाइस अभी ठंड बहुत पड़ रही है इधर, और इधर हमने कैंप बुक किया है जहाँ के आज पूरी रात बिताएंगे यहाँ पर, जहाँ की बॉन फायर होगा सारा होगा वहाँ पर, हम गाना बजाने से लेके सब करने वाले हैं वहाँ पर। और ठंड बहुत बढ़ रही है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ रही है, बाकी रहने में बहुत मज़ा आएगा।
अभी हम आए हैं यहाँ पर टाइगर पॉइंट पे, जहाँ की हमको वाटरफॉल देखने को मिलेगा, बहुत ही अच्छा वाटरफॉल देखने को मिलेगा। और ये हमारा डे टू है मेन पार्ट का। कल लिटरली गाइस बहुत ही मजा आया, हमने कैंपिंग की, रात को बॉन फायर था, सभी था, हमने गिटार बजाया, गाना गाया, सब आपको सब चीज़ का वीडियो दिखाऊंगा मैं। और नीचे में वाटरफॉल भी है, तो थोड़ी देर में वहाँ भी जाएंगे। तो हमारा चाय आ गया, फोटो भी खींचते हो भैया, लगेगा तो बताएंगे उसका कैश। तो गाइस ये जो जगह अभी हम आए हैं, ये है टाइगर पॉइंट, जहाँ एक भी टाइगर नहीं है, मुस्कुराइए आप मेन पार्ट में। तो अभी हम जा रहे हैं वाटरफॉल की ओर जा रहे हैं, और साथ में है सोनू भैया। सो गाइस देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल नजारा है यहाँ पे, कुछ काफी ज्यादा सुंदर है, मतलब देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। कैसे सोनू भैया, कैसा लग रहा है? देख सकते हो काफी सुंदर नजारा है यहाँ का, बहुत ही ब्यूटीफुल वाटरफॉल है, जो कि अभी तक मैं सोचा नहीं था ऐसा वाटरफॉल होगा यहाँ पर स्नेक पार्क में। और जो कल दिखा है तो वो बहुत ही छोटा था इसके सामने, और ये तो बहुत काफी अच्छा है, काफी सुंदर वाटरफॉल है, बहुत अच्छा लगा। सो गाइस हम है जलजली के पास, और यहाँ जमीन हिलते हुए देखने को मिलता है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हिलता है। एक बार कूदो, दिखाओ सबको, देख सकते हो कैसे कैसे हिल रहा है पूरा जमीन। सो गाइस यही था जलजली, जो कि पहले कभी तालाब हुआ करता होगा या कुछ हुआ करता होगा, पानी इलाका हुआ करता होगा, उसलिए आज इतना स्पॉन्जी टाइप से है। देख सकते हो पूरा जमीन हिलता है, देख सकते हो कैसे हिल रहा है। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं, जल्दी से निकल रहे हैं, अब हम सीधे घर जाएंगे, घर निकलेंगे। अभी अभी यहाँ से कहाँ जाएंगे सोनू भैया, ये भी बता दो। इसके बाद जाएंगे वहाँ पे खाना खाएंगे और फिर घर। ठीक है, तो हम 3-4 बजे तक घर पहुँच जाएंगे।